नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो है दिल्ली सरकार के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी इस बात की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि मनीष सिसोदिया को हिरासत से बाहर निकाला जाए। लेकिन हिरासत से बाहर तो नहीं, पिछली बार जब हमने देखा कि कोर्ट पर जब उनकी पेशी हुई तो कोर्ट पर पेशी के बाद जो उनकी दो दिन की रिमांड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब जो है कोर्ट की तरफ से भी इस रिमांड को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की जो है पेशी है, कोर्ट के अंदर पेशी के बाद क्या फैसला लिया जाएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन सीबीआई जो है अब इस रिमांड को आगे नहीं बढ़ा सकती है, इस बात को लेकर के खबरें सामने आ गई है। अब सीबीआई अपनी तरफ से जो है कोर्ट के रिमांड को आगे नहीं बढ़ाएगी तो अगला कदम क्या होगा, यहाँ पर सीबीआई और ईडी की तरफ से और उसका जो सामना है वो मनीष सिसोदिया किस तरीके से करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के सामने जो है इस वक्त मुश्किल दर मुश्किल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है कई राज्यों के चुनाव नज़दीक है जिनके ऊपर वो पहले से फोकस्ड होकर के चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो है उनके खेमे पर इस वक्त सीबीआई और ईडी का यहाँ पर लगातार छापेमारी चल रही है जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। वैसे में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल ये है कि आखिरकार वो अपने खेमे को बचाए पहले या फिर दूसरे राज्यों में जो है सत्ता काबिज करें। देखना बेहद दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि आखिरकार जो है अरविंद केजरीवाल दूसरे राज्यों में अपनी सत्ता हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर सीबीआई और ईडी के खेले में फंस करके यहाँ अपने खेमे को भी गवा देते हैं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।